ये खाना एक माहिर रसोई द्वारा बनाया जा रहा है। घर पर खुद ही बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। ये दिवाली के पटाखे नहीं हैं, ये भारतीय पाक कला है। मुझे एक कंस्ट्रक्शन देखने जाना था और आश्रम की दूसरी चीजें देखनी थी, पर आज बहुत बारिश है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ भारतीय भोजन पकाते हैं। भोजन की मात्रा देखकर ये मत सोचिए कि मैं अकेला ये सब खाऊंगा। घर पर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और आज बारिश है तो हम बस खाएंगे और बातें करेंगे, तो मैंने सोचा कि उन्हें ये खाना खिलाकर अपनी पाक कला से उन्हें थोड़ा हैरान कर दूं। यह ऐसा भोजन है जिसे पकाने के लिए हर पल की भागीदारी चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे चूल्हे पर रखकर छोड़ दिया जाए, और इसीलिए इसमें आपकी जीभ को गुलाम बनाने की ताकत है। मेरा पकाया खाना खाकर वे यकीनन मुझसे प्रेम करने लगेंगे। वैसे ये मेरी अपनी अनोखी रेसिपी है। माफ कीजिए, मैं वीडियो के जरिए आपको चखा नहीं सकता। यहां हम कुछ अच्छे पराठे बना रहे हैं। दक्षिण भारत में हम इसे चपाती कहते हैं, पर यह असल में पराठा है। तो हालांकि आश्रम में भोजन मिलता था, पर मैंने खाना पकाना सीखने का फैसला किया। उससे पहले मैं रसोई में वाकई कभी नहीं गया था और कुछ सीखा नहीं था, पर मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण और काम की चीज है, क्योंकि राधे को विज्जी का बनाया खाना बहुत पसंद था और विज्जी ने मेरी माँ से खाना बनाना सीखा था। तो मैं अपनी बहन के पास गया, कुछ चीजें सीखी और फिर अपने तरीके से कई चीजें तैयार की। वैसे कई साल पहले, असल में कुछ साल पहले, मेरी बेटी ने मेरे बनाए खाने की तारीफ की कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा कुक हूं। ज्यादा खराब नहीं बनी, बिल्कुल चंद्रमा पूर्णिमा के चांद जैसी है। मेरा कहना है कि अगर चपाती एक नक्शे जैसी दिखे, तो अगर आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाते हैं तो आप ठीक जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका बनता है तो बुरा है, पर अगर इंडोनेशिया बन जाए तो आपको फिर से स्कूल में जाना होगा। देखिए मेरा पराठा पूरी की तरह फूल रहा है। अंदर की गर्म हवा से ये पक गया है। ये कैसा है?